कुदेव जो पीएससी मा होके बवाल, दिन रात पढ़ना है मजा वो धमाल, काम कर ले थसरे टेंशन, अरे काम कर ले थसरे टेंशन, जब अफसर बन के ते कर पे धमाल। ये कैसे होगा सर? हेलन, वेलकम बैक टू टॉप एमसीक्यू सीरीज ऑफ कोको। अभी जो अगले आपके 3 लेक्चर्स होने वाले हैं वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि शेड्यूल में थोड़ा सा चेंज किया गया मैथमेटिक्स में, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स को पेपर को देखा गया तो अब तक जो आपके पोर्शन थे, जो ट्रिग्नोमेट्री हुआ, ज्योमेट्री हुआ, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हुआ, प्रोबेबिलिटी हुआ, ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चंस जो क्या अब तक आपको पूछते नहीं थे, लेकिन जब पिछले 1-2 साल के ट्रेंड में गए तो ये वाला क्वेश्चन जो हुआ ज्योमेट्री का हुआ, है ना, प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन हुआ, एथमेटिक एपीजीपी का हुआ, ये वाले सारे क्वेश्चंस क्या पूछना थोड़ा सा ज्यादा कर दिए। तो इसीलिए अभी यहां पर क्या करेंगे, डाटा सफिशियंसी को कवर करें। डाटा सफिशियंसी आपको बहुत कुछ कवर होने वाला है, क्योंकि डाटा सफिशियंसी एक ये टॉपिक है जिसमें आपको ये कहता है कि हमने अब तक जितने भी टॉपिक्स आपके पढ़े, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, है ना, SICA, जो भी पढ़े हैं, आपको उसके आपको क्या उसके कॉन्सेप्ट मालूम होने जरूरी है, एक चीज, पहला चीज ये। दूसरा ये है कि अगर आपको आंसर क्या है आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको आंसर उससे लाया जा सकता है क्या, वो आपको इंपॉर्टेंट है। तो जब मैं आपको वो चीज बताऊंगा तो आपको उसके सारे ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कैसे कैसे आप आंसर लेके आ सकते हैं ये, और उसके बाद जो आपका होगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का और ज्योमेट्री, ये सब जो लेक्चर्स आपके जो अगले 2 दिन में होने वाले हैं उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आपको कवर करेंगे जो आपको अपकमिंग पीएससी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड पकड़ के। तो ये सेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके पास। पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि राहुल, ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है आपको निकालना है राहुल ने कितना कमाया। आपको सिर्फ ये पता करना है कि राहुल ने कितना कमाया, ठीक है। राहुल ने 1981 में उनकी कमाई कितना था अपने पास, 6,500 रुपए था, जो कि 1980s उन कमाई से 12.5% अधिक था, 12.5% अधिक था। तो इसके हिसाब से अगर मैं 1980 में उसकी कमाई को x लिया तो अगले साल उसकी कमाई बढ़ के कितना हो जा रहा है, 12.5% अधिक हो जा रहा, मतलब कितना हुआ, 112.5/100, और वो कितना हो गया, 6,500। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, x का तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये हम निकाल लिए, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x आ जाएगा, मतलब हमको 1980 में क्या उसकी इनकम थी ये मालूम चल जाएगा, ठीक। दूसरी बात, उसकी पत्नी जिसने उसकी कमाई का आधा हिस्सा कमाया है और उसने कितने रुपए कमाए हैं, कुल मिलाकर इतने रुपए कमाए, इसका मतलब यहां पर क्या होगा, अगर मान लो अगर सपोज मैं बोला कि राहुल ने अगर मान लो x रुपए कमाया है, तो उसकी जो पत्नी है ना, उसकी पत्नी ने, उसकी वाइफ ने कितना कमाया है, उसने कमाया आधा, मतलब x प्लस 2, तो हम यहाँ पे x प्लस 2 करेंगे तो 8666.62 आ जाएगा, यहां से x का वैल्यू आ जाएगा। आंसर क्या आ रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर उससे आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो आपका कथन 1 से भी आ रहा है और कथन आपका 2 से भी आ रहा है, मतलब पृथक पृथक रूप से आपका 1 से भी आ रहा और क्या आ रहा अपने पास, 2 से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, या तो सिर्फ 1 या तो सिर्फ आपका 2 आपको यहां पर क्या होगा, उसको उत्तर लाने के यहां पर क्या होगा, पर्याप्त होगा। अच्छा, यहां पर आपको देखेंगे, आपको यहां पर 5 ऑप्शन दिए, एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन देगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, लेकिन हमको मालूम होना चाहिए एग्जाम में क्या क्या ऑप्शन होगा, इसलिए आपको यहां पर 5 ऑप्शन आपको दिखाया गया है। अगली बार आगे करेंगे तो आपको 5 ऑप्शन होगा और ऑप्शंस आपको चेंज होंगे किस किस तरीके से, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको कहां कहां किस किस तरीके से पूछता है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, ये हमारा नंबर सिस्टम प्लस परसेंटेज से मिला के पूछा था। हियर कम्स द सेकंड क्वेश्चन,
व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ द टू कार्स, मतलब दोनों की कारों की औसत गति निकालनी है, ठीक है, औसत गति। औसत गति के लिए आपको चाहिए क्या होता है? आपको औसत गति के लिए दो चीज होता है, एक आपके पास टोटल डिस्टेंस और दूसरा आपके पास टोटल टाइम, दो चीज आपको चाहिए होता है, ठीक है। एक बार ध्यान देख लीजिए आप लोग, फिर वहां सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहला चीज आपको बोल रहा है, एक कार 60 किलोमीटर की दूरी पूरी करती है, ठीक है, वन कार कंप्लीट 60 किलोमीटर। तो पहले वाले का आपको डिस्टेंस दिया कितना, डिस्टेंस पहले वाले का डिस्टेंस आपको दिया कितना, 60 किलोमीटर आपके पास जा रहा है। अदर कार ट्रेवल्स 4 किलोमीटर वन आवर, दूसरी वाली जो है ना अपने पास, दूसरी वाली का भी डिस्टेंस आपको दिया है कितना, 4 किलोमीटर, और कितने घंटे में, एक घंटे में, ठीक है। बात करें अगर एवरेज स्पीड का, औसत चाल का, तो औसत चाल में आपको क्या चाहिए? पहला चीज जो आपको चाहिए वो है कुल दूरी, दूसरा चीज जो आपको चाहिए वो है आपका कुल समय, ठीक है। तो आपके पास कुल दूरी तो दिया हुआ है, लेकिन आपका सिर्फ इसका समय दिया है, क्या इसका समय दिया है, क्या इसका समय नहीं दिया है, तो इसका मतलब सिर्फ नीचे से निकाल सकते नहीं, क्योंकि आपको दोनों का औसत निकालना है, तो पहले वाले का भी आपको मालूम होना चाहिए, दूसरे का मालूम होना चाहिए। तो इसका मतलब दोनों मिलाएंगे ना तो कथन एक ना ही दो कथन पर्याप्त, मतलब अगर दोनों को मिलाएंगे तो भी अपना आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारे पास नहीं आएगा, दोनों मिलाएंगे तो भी हमारा आंसर नहीं आना है क्या यहाँ पर, ठीक, बोथ वन आर नॉट सफिशिएंट। अब जब औसत चाल का कर रहे हैं तो हम एक चीज और समझ लेते हैं, औसत चाल में जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछता है वो ये है, अगर कहीं पर आप एक्स की चाल से जा रहे हैं और वापस उसी दूरी को आप वाई की चाल से आ रहे हैं, आपको चाहे डिस्टेंस दिया हो या नहीं दिया हो, जाते वक्त आपकी स्पीड एक्स की है, वापसी में आपकी स्पीड वाई की है, उस कंडीशन पे अगर आपको बोलेगा कि पूरी यात्रा का औसत चाल, तो वो हमारे पास होगा 2xy अपॉन यहाँ पर क्या होगा x प्लस वाई, ये हमारे पास, ठीक है। ये आपको इस तरीके से भी दे सकता है कि आपको पूरी यात्रा का, आपको पूरी यात्रा का आधा भाग x से गया है और बाकी जो आधा है वो आपको y से गया। मैं फिर से बता रहा, आपको डिस्टेंस कितना दिया हो ये आपको इम्पॉर्टेंट नहीं है, चाहे वो 100 दिया हो, 200 दिया हो, या डिस्टेंस आपको नहीं दिया तो भी, या आपको दो समान दूरी है, दो समान दूरी है, एक बार x से गया एक बार y से गया, तो सब में आपके पास यही फॉर्मूला आपका लगने वाला है। दूसरा कंडीशन, अगर आप एक समान दूरी को आप तीन अलग अलग चाल से x, y और z से जा रहे हैं, या एक यात्रा का एक तिहाई भाग x से, एक तिहाई भाग y से और एक तिहाई भाग z से जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो आपका औसत चाल है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो आपका होगा 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। ये सेशन को बहुत ध्यान से देखना, और अगले दो सेशन जो होने वाले बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले आपके पीएससी के हिसाब से, पूरा का पूरा उसमें क्या हो जाएगा, जो पिछले साल के पूछे हुए क्वेश्चंस प्लस आपके हाई लेवल ज्योमेट्री और प्लस आपका जो परमोटेशन कॉम्बिनेशन हुआ और मिक्स्ड क्वेश्चंस जो आपको रैंडमली कहीं से भी आपको पूछते हैं, वैसे वाले क्वेश्चन भी साथ में उसमें क्या रहेगा, समावेश रहेगा। क्या दिया है, एक स्कूल में 82 छात्र थे जो कक्षा ए या बी दोनों में पढ़ते हैं, ठीक है, वो यहां पर क्या है, वो दोनों में कॉमन है, ठीक, वो या तो ए में पढ़ रहे होंगे या तो बी में पढ़ रहे होंगे। प्रत्येक कक्षा में कितने छात्र उपस्थित थे आपको ये निकालना, प्रत्येक कक्षा में कितने छात्र आपको उपस्थित थे आपको ये निकालना, ठीक है। तो अब यहां पर बोला है प्रत्येक, मतलब अपने को अलग अलग का निकालना, आपको यहां पर क्या बोल रहा है, 82 आपको कॉमन दिया, 82 यहां पर क्या बोल रहा है, एदर ए और यहां पर क्या बोल रहा है, बी, या तो ए में पढ़ेंगे या तो बी में पढ़ेंगे, ठीक। अब 50 लोग उसमें सिर्फ ए में पढ़ते हैं, 50 लोग सिर्फ ए में पढ़ते हैं, अगर 50 लोग सिर्फ ए में पढ़े, सिर्फ ए में पढ़े, 50 लोग सिर्फ ए में पढ़ रहे हैं, 82 में सिर्फ ए में 50 लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें बी में कितने पढ़ेंगे,
ये आ जाएगा 82 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 52, तो ये कितना हो जाएगा 32। ये पहला कंडीशन आ जाएगा। सेकंड कंडीशन बोल रहा है कि 32 लोग सिर्फ बी में पढ़ रहे हैं, अटेंड द बी क्लास। बी में कितने लोग कर रहे हैं, बी में कितने लोग कर रहे हैं, 32 लोग है। तो ए में कितने लोग करेंगे, इसका जस्ट ऑपोजिट, 82 में से 32 जाएगा, कितना हो जाएगा 52। तो आपको बोला है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स अटेंड ईच क्लास, तो यहां पर बोलेगा कि ए के बारे में बोलेगा तो कितना हो जाएगा 50, बी के बारे में बोलेगा तो कितना आ जाएगा 32। ठीक है, तो हमारा आंसर अगर सिर्फ बोला है ए, अगर सिर्फ बोला है ए, इस स्टेटमेंट से अपना क्या निकलेगा, बी का निकलेगा। तो टोटल 82 दिया तो ऑटोमेटिकली ए का निकल जाएगा, तो सेकंड में क्या होगा, बी का दिया है तो उससे क्या निकल जाएगा, ए का निकल जाएगा। तो दोनों एलोन एलोन यहां पर क्या होगा, हमारे पास सफिशियंट होगा आंसर आपको देने के लिए। ठीक, अच्छा इसको परसेंटेज कॉन्सेप्ट मत करना, जो आपको देता है ना कि आपको 82% ए और बी हमें दोनों में अटेंड कर रहे हैं पास फेल वाला, उस कॉन्सेप्ट में मत जाना इसमें। ठीक, ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड को चेंज करने के लिए क्वेश्चन लेके आए ये वाला। आपको पता करना है यंगेस्ट, चार लोग हैं, राहुल, रमेश, सुरेश और अजय, आपको इसे पता करना है सबसे छोटा कौन सा है। आपको ठीक, राहुल रमेश से बड़ा है, राहुल रमेश से बड़ा है, ये पहला, इसे तो आप पता नहीं कर सकते सबसे बड़ा कौन सा है। सुरेश और रमेश अजय से छोटे हैं, सुरेश और रमेश अजय से छोटे हैं, तो अजय यहां पर क्या होगा, सुरेश से बड़ा होगा और रमेश से बड़ा होगा। ठीक है ना, अजय क्या, सुरेश और किससे बड़ा, अपने पास रमेश से बड़ा है। अब यहां पर कंडीशन क्या है, राहुल किससे बड़ा है, राम से बड़ा है। अपने को पता करना है कि सबसे यंगेस्ट, सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा, अब ऑब्वियसली अब ये जो राहुल है ना, वो राहुल यहां पर भी आ सकता है, राहुल यहां पर भी आ सकता है, राहुल यहां पर भी आ सकता है, क्योंकि कंडीशन यहां पर क्या बोला है कि राहुल किससे बड़ा है, राहुल किससे अधिक है, राम से, है ना, ये बोला ना, राहुल इज एल्डर, मतलब राहुल क्या है, रमेश से बड़ा है। अपने को सब छोटा पता करना है, तो इस सीक्वेंस में जाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, रमेश होगा। वो कब आएगा, जब दोनों को मिला के लाएंगे तो ही हमारा आंसर आएगा, तो ये हमारा आंसर। अगला एपी का क्वेश्चन है, इसमें साथ में आपको पूरा फॉर्मूला बता दूंगा आपको। ठीक है, ध्यान से देखिए, एपी का सीक्वेंस वाला, सीक्वेंस और सीरीज वाला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 8, व्हाट विल बी द 10th टर्म। एपी का कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। एपी में क्या होता है, जो सीरीज होता है ना, वो क्या होता है, ए होता है, अगला ए प्लस डी का सीरीज होता है, फिर ए प्लस यहां पर क्या होगा 2D होगा, फिर a प्लस यहां पर क्या होगा 3D होगा, ये हमारे पास। अगर हमको 10th टर्म निकालने बोला है, 10वां टर्म निकालने बोला है, तो फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारे पास होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन यहां पर क्या होता है, टर्म का होता है, तो यहां पर कितना दिया, 10 टर्म दिया अपने पास। ठीक है, टोटल जो n होता है ना, कुल पद आपके पास होता है, तो यहां पर n हमको कितना दिया, तो हमको 10वां निकालना, तो n का वैल्यू कितना हो गया, 10 हो गया, तो इसीलिए हमको निकालना है a प्लस 9d। अब अगर पहले कंडीशन पे आए तो आपको क्या बोल रहा है, 11th टर्म कितना दिया हुआ है, 10256, मतलब a प्लस 10d दिया है हमको 256। तो इस कंडीशन से ना तो a ला सकते हैं और ना ही d ला सकते हैं। ठीक है, ना ही ए ला सकते हैं और ना ही क्या ला सकते हैं, डी, दोनों नहीं ला सकते। ठीक है भाई, सेकेंड कंडीशन में अगर अपन देखें तो इसमें थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस कितना दिया, 512। थर्ड टर्म दिया मतलब ए प्लस, हमको थर्ड टर्म कितना हुआ 2D,
ये हमको कितना दिया हुआ है 512, ये हमको दिया। अब अगर हम इन दोनों को सॉल्व किए तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन क्या बन गया, टू वेरिएबल बन गया, ठीक है ना। ये हमारे पास ये हमको ये बन गया। तो अब अगर इन दोनों से निकालेंगे तो हमारा ए भी निकल जाएगा और हमारा क्या निकल जाएगा, डी भी निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों मिलाएंगे तो हम अपना आंसर इजीली ला सकते हैं, ठीक। तो दोनों मिलाएंगे तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। यहीं पर एक और चीज समझ लेते हैं, बहुत बार आपको यहां से क्वेश्चन आपको पूछता आपको, ठीक है। वो क्वेश्चन किस तरीके से रहता है, वो क्वेश्चन आपको इस तरीके से रहेगा, 4, 7, 10, 11 ऐसा करते 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 आपको दिया है, मान लो 106 दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको तीन तीन का फर्क है ना, हाँ सपोज आपको, या फिर आपको इस तरीके से देगा कि ऐसा करते करते अगर आपको बोलेगा कि इसके जो 20 पद है ना, 20 पद तक आप निकालेंगे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आपको योग का भी पूछ सकता है। तो पहला फॉर्मूला होता है कि आपका होगा n अपॉन 2, योग वाला बोलेगा सीक्वेंस में एपी में, तो n अपॉन 2 ए प्लस एल होगा, जिसमें जो ए होता है ये हमारे पास फर्स्ट टर्म होता है और एल जो होता है ये हमारे पास लास्ट टर्म होता है। एक तरीका आपके पास ये रहेगा। दूसरा तरीका यहाँ पर क्या रहेगा, ये आपका रहता है n बाय 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको दूसरा टर्म आपका ये वाला रहता है आपका, दो तरीके से आपका रहेगा। या तो डायरेक्टली आपको इस तरीके से देगा n बाई 2 a प्लस एल रहेगा, और दूसरा n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 डी रहेगा। डिपेंड आपके आपको एग्जाम में क्या पूछा है, आपको सीक्वेंस में आपको ये वाला पूछा है कि ये वाला पूछा है। और ये आपका जो होगा अक्सर आपको नंबर सिस्टम में, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको आजकल पूछना ट्रेंड में आपको चालू किया है, जो आपका एपी का है। आपको बहुत बार आपको ये नंबर सिस्टम के अंतर्गत आपको दिया रहेगा, तो यहाँ ध्यान से देखना ये वाला, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट आपका है, ठीक है। फॉर्मूला ले लो, ये एन है ना, ये आपका एन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपका मेंसुरेशन का है, ठीक, मेंसुरेशन का। अब ये क्वेश्चन है ना, इसमें आपको रेक्टेंगल के सारे कॉन्सेप्ट, रेक्टेंगल प्लस स्क्वायर के भी सारे कॉन्सेप्ट बता दूंगा आपको, ताकि आपका एक पोर्शन ही पूरा कवर हो जाए रेक्टेंगल और स्क्वायर का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द साइड ऑफ स्क्वायर, ओके। द सेकेंड वन, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 40% मोर देन द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक। अच्छा, बात करेंगे रेक्टेंगल मतलब आयत का। तो आयत में क्या होता है, ये आपके पास होता है लेंथ और ये आपके पास होता है ब्रेथ और ये इसका होता है विकर्ण डायगनल, ठीक है। अगर ये विकर्ण डायगनल आपको सिर्फ डायगनल निकालने बोलेगा तो ये फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट यहाँ पर होगा एल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या होगा बी स्क्वायर, ठीक। ये पहला, अगर सपोज आपको इसका एरिया निकालने बोला है तो वो आप क्या हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, ये इसका क्या होगा एरिया होगा। और अगर सपोज आपको इसका पेरीमीटर निकालने बोलेगा तो ये कंडीशन आपका होगा 2 × L + B, मतलब इसमें आपको कुछ भी निकालने बोलेगा, चाहे वो एरिया निकालने बोलेगा, चाहे वो पेरीमीटर निकालने बोलेगा, चाहे वो डायगनल निकालने बोलेगा, तो हमेशा आपको इसके दो डायमेंशन चाहिए। वो डायमेंशन क्या क्या चाहिए आपको, लेंथ भी चाहिए और साथ में यहाँ पर क्या चाहिए आपको, ब्रेथ भी चाहिए, ठीक है। अब पहला कंडीशन ये बोल रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द साइड ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, जब बात करेंगे स्क्वायर का तो स्क्वायर में क्या कंडीशन होता है, जैसे आपके रेक्टेंगल में आयत में लेंथ और ब्रेथ बराबर नहीं होता, या समटाइम्स बराबर हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको लेंथ और ब्रेथ आपको दोनों इक्वल है तो ये हमारे पास वर्ग हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। और अगर बोलेगा इसका पेरीमीटर परिमाप बोलेगा तो ये होगा 4a और इसका एरिया बोलेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर।
तो यहाँ पर क्या बोला, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर। मतलब आपके पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 84 दिया हुआ है, तो 4 इज इक्वल टू क्या हो गया 84। इस कंडीशन में a इज इक्वल टू क्या हो गया 84 अपॉन 4, ये हमारे पास आ गया 21, ये हमारे पास पहला आ गया। ठीक, ये हमारे पास 21 पहला आ गया। ठीक है, जो सेकंड कंडीशन आपके पास बोला है, यहां से हमारे पास a आ गया, मतलब जो आपका ये जो लेंथ है इसके a के बराबर है, तो l इज इक्वल टू यहां पर क्या हो गया 21 हमारे पास हो गया। लेकिन सिर्फ l से आपका पेरीमीटर आपका नहीं आ सकता है। सेकंड यहां पर क्या बोला, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 40% मोर देन द लेंथ ऑफ ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। लेंथ क्या बोल रहा है, ब्रेथ से 40% अधिक है, इस कंडीशन पे आ सकता है। मैंने लेंथ को 21 ले लिया और ब्रेथ को अगर मैं x मान के चलता हूं, क्योंकि वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ b, ब्रेथ तो अपन जानते नहीं है। कंडीशन बोल रहा है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 40 degree मोर देन द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल। मतलब x का जो 140% है ना, ये आपका क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो इजिली यहां से क्या निकल जाएगा, अपने पास क्या निकल जाएगा, ब्रेथ निकल जाएगा। तो जब लेंथ और ब्रेथ निकल जाएगा तो ऑटोमेटिकली यहां पर क्या निकल जाएगा, उसका पेरीमीटर आपके पास निकल जाएगा। ठीक है, और अपना एरिया भी हमारे पास निकल जाएगा। तो इसका मतलब आपको ये भी चाहिए और आपको ये भी चाहिए, और दोनों मिला के आप अपना आंसर ला सकते हैं। तो बोथ 1 and 2 आर सफिशियंट टू प्रोवाइड द आंसर, ये हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले के साथ जब लिख रहे हो ना, तो यहाँ पे जो आपका ये जो आपका चल रहा है कौन सा, रेक्टेंगल का ये आपका क्या हुआ, पेरीमीटर का फॉर्मूला, इसको भी लिख लो। ठीक, साथ में ये एरिया का आप ये भी लिख लीजिएंगे और साथ में ये भी लिख लेंगे। अच्छा, जब बात करें ना स्क्वायर का, तो यहाँ पर एक और चीज कर लेते हैं, ये जो डायगनल होता है ना, ये आपका होता है ए रूट। ठीक, बहुत बार क्या करेगा, बहुत बार आपको बोलेगा एरिया निकालने के लिए और आपको लेंथ और ब्रेथ आपको साइड आपको दिया नहीं है, और सिर्फ डायगनल आपको विकर्ण दिया हुआ है। बहुत बार आपको ऐसा बोलेगा कि आपको ना लेंथ देगा ना ब्रेथ देगा, सिर्फ और सिर्फ आपको डायगनल देगा। उस कंडीशन पे जो एरिया होने वाला है ना, वो आपका होता है हाफ इंटू डी का स्क्वायर, मतलब डायगनल का वर्ग। ये याद रखना, आगे जाके आपको बहुत जगह आपको काम होने वाला है। ठीक है, फॉर्मूला भी लिख लो, स्क्रीनशॉट भी ले लो, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ द ट्रेन, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, और स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस और उसके साथ में ट्रेन और बोट को मिला के दो क्वेश्चन आपको अक्सर पूछता है, और दो नहीं देगा तो आपको एक क्वेश्चन तो आपको निश्चित तौर पर पूछेगा। वो हो सकता है कि आपको वो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का हो, या हो सकता है आपको बोट्स का हो, या हो सकता है आपको ट्रेन का हो। आजकल इस तरीके से कर रहा है कि आपको बोट और स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का, या ट्रेन के साथ में स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का, दोनों साथ में मिला के कवर करता है, आपको इस तरीके से पूछ रहे हैं। तो आपको ट्रेन का लेंथ निकालना है, ये पहला चीज बोल रहा है। इट टॉसेस अ पोल इन 220 मीटर्स लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 15 सेकेंड, मतलब एक 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकेंड में पार कर रही है, और विपरीत दिशा से चल रहे एक व्यक्ति को 6 सेकेंड में पार कर रही है। ठीक है, पहला कंडीशन हम देखें, पहला हम कंडीशन मान लेते हैं कि एक लंबा सा ट्रेन है, हम ट्रेन का डिस्टेंस तो जानते नहीं है, तो ये ट्रेन आपके पास x मीटर लंबा है। ये x मीटर लंबा ट्रेन यहां पर क्या कर रहा है, आपके पास एक 220 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है, और वो उसको 15 सेकंड में पार कर रहा है। तो ऐसा है कि इस डिस्टेंस आपका ये कितना दिया हुआ है, ये हम ये जानते हैं, कभी भी एक जो ट्रेन होगा अगर वो पोल को क्रॉस कर रहा है, तो ट्रेन का जो लेंथ होगा वही क्या हो जाएगा, उसके द्वारा कवर किया गया यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस होगा, ये पहला बनता है। दूसरा, कभी भी एक जो ट्रेन है वो किसी टनल को, किसी प्लेटफॉर्म को,
या किसी क्या करेगा, ट्रेन को क्रॉस करेगा, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, जो दोनों ट्रेन का जो डिस्टेंस होगा या प्लेटफॉर्म और ब्रिज का जो डिस्टेंस होगा ट्रेन का मिला के, वो हमारे पास क्या बन जाता है, एक्चुअल डिस्टेंस हमारे पास बन जाता है, ये हम जानते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ट्रेन x मीटर लंबा है और ये जो ब्रिज है प्लेटफॉर्म आपका 200 मीटर लंबा है और 15 सेकेंड में पार कर रहा है। तो चलो यहाँ से हम स्पीड निकाल लेते हैं कि x प्लस 220 बटे 15 मीटर प्रति सेकेंड, ये मेरा स्पीड आ चुका है, ये पहला कंडीशन क्लियर हुआ। सेकेंड कंडीशन ये बोल रहा है कि ट्रेन क्रॉसेज अ पर्सन वॉकिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन 6 सेकेंड। अब ये तो दिया आपके पास, अब आदमी यहां पर क्या कर रहा है, ऑपोजिट में पार कर रहा है कितने सेकेंड में, क्रॉस सेकेंड में, मतलब ये ट्रेन है और यहां से एक आपका आदमी चल रहा है और ये उसको 6 सेकेंड में पार कर रहा है। लेकिन क्या आपको ये दिया है कि आदमी का स्पीड कितना है? अगर आपको आदमी का स्पीड देगा ही नहीं तो आप यहां पर क्या कर सकते, इस ट्रेन के स्पीड से आप नहीं निकाल सकते, ठीक है, ये आपका पहला कंडीशन बनेगा। दूसरा हम ये भी बोल सकते हैं कि ये आपका स्पीड दिया है, ये आदमी को क्रॉस कर रहा है कितने सेकंड में, 6 सेकंड में, ठीक है, ये कितना अपने क्या कर रहा है, 6 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, चलो हम ये भी मान के चलते हैं। तो फॉर्मूला यहां पर क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू यहां पर क्या होता है, टाइम होता है। तो इसका स्पीड कितना हुआ, इसका स्पीड हुआ कितना हमारे पास, हाँ सॉरी, इसका स्पीड कितना हुआ, x प्लस 220 अपॉन यहां पर क्या हुआ 15, ये हमारे पास क्या हुआ, इसका स्पीड हुआ। टाइम कितना हुआ, टाइम आपको क्या दिया हुआ है, 6 सेकेंड आपको दिया हुआ है और ये क्या कर रहा है, ये जो है ये आपको क्रॉस कर रहा है, ठीक है, क्रॉस कर रहा है किसको, इसको क्रॉस कर रहा है कितने सेकेंड में आपको, 6 सेकेंड में। तो उस कंडीशन पे यहां पर क्या होगा, जब भी क्या करेगा, इस आदमी को क्रॉस करता है, ये हम जानते हैं, कहीं पर भी क्या करेगा, पोल को या किसी आदमी को क्रॉस करेगा, तो जो ट्रेन है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अपना जो खुद का जो लंबाई है, इसका लंबाई कितना x है, आपको x ही कवर करेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास होगा 6x प्लस 1320 इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर क्या हो जाएगा, 15x हो जाएगा, ठीक, इधर लाके माइनस कर लो तो यहां पर x का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा वॉट एवर इट शुड बी, 9x इक्वल टू 1320, यहां पर हमारे पास x का वैल्यू आ जाएगा। x का वैल्यू क्या रहा हमको ये इंपॉर्टेंट नहीं है, x का वैल्यू आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है, इसका मतलब यहां पर क्या होगा, दोनों मिलाएंगे तो ही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो बहुत जरूरी है आपको इसका एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर आपको ना एक एक स्टेप मालूम होना जरूरी है कि कहां से क्या आंसर कैसे आएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जितने फॉर्मूले हैं, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, बोट्स एंड स्ट्रीम, ट्रेन्स का, प्रॉफिट लॉस का, SICI का, परमोटेशन मतलब और आपका एवेंसरेशन का, है ना, आपको सारे फॉर्मूले याद होने आपको बहुत जरूरी है, उसके बिना आपको बनना बहुत मुश्किल है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये जो स्टेटमेंट मतलब जो डाटा सफिशिएंसी और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, आपको ना डाटा एकदम क्लियर होना चाहिए। आपको ये बोलेगा इंटरेस्ट, तो आप मर्जी से ये नहीं बोल सकते कि सिंपल इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट है, आपको पर्टिकुलर मेंशन करना चाहिए आपको सिंपल इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है ₹4,000, ठीक है, ₹4,000 दो वर्षों में ₹5,200 हो जाते हैं, निवेश करने पर ₹4,000 दो वर्षों में ₹5,200 हो जाता है, मतलब आपको दिया हुआ ₹4,000 ₹5,200 कितने साल में, 2 साल में, मतलब पी आपको दिया हुआ है 4,000, टी आपको दिया हुआ है 2 ईयर्स और ए आपको दिया हुआ है 5200, तो इसका मतलब आई कितना हो गया 1200, तो आई आ गया है, टी आ गया है, पी आ गया है, तो आर का फॉर्मूला अपन जानते हैं, आई इंटू 100 अपॉन यहां पर पी इंटू टी, तो इजिली इस फॉर्मूले से अपना आर निकल जाएगा, ठीक है। तो पहले वाले से तो हमारा आंसर आ रहा है। सेकेंड, द सेम सम इज इन्वेस्टेड इन CI and SI फॉर 2 ईयर्स एंड द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, एंड डिफरेंस बिटवीन CI and SI इज 90 रुपीज,
अब दो साल का एसआई और सीआई का डिफरेंस, दो साल का एसआई और सीआई का डिफरेंस लेके चलेंगे तो उस डिफरेंस का फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू पी इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर, ये हमारे पास होता है। ठीक है, डी आपको दिया है, डी आपको कितना दिया हुआ है, डिफरेंस आपको दिया हुआ है 90, प्रिंसिपल आपको दिया यहां पर क्या हो जाएगा 4000, तो और उस कंडीशन आपसे यहां पे क्या निकल जाएगा, आपके पास आर आपका निकल जाएगा, तो यहां पर क्या होगा आपका आंसर इससे भी आ सकता है। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आइदर स्टेटमेंट 1 और 2 इज सफिशियंट टू गिव द आंसर, ये आपका हो सकता है। ठीक, अच्छा ये आपका दो साल का है, ठीक है ना, ये आपका दो साल का, इसको लिख लो, फिर मैं आपको एक और बता देता हूं साथ में, आपको तीन साल का भी, ये आपका दो साल का था। अब अगर सपोज आपको मान लो यही आपको तीन साल का पूछा है और डिफरेंस निकालने बोलेगा तो वो क्या हो जाएगा P इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर, ये तो वैसी का वैसी रहेगा, प्लस एक नया चीज यहाँ पे ऐड हो जाएगा, वो होगा 300 प्लस आर अपॉन 100, बस आपका साथ में ये ऐड हो जाएगा और कोई चेंजेस आपका नहीं होगा। ठीक है ना, अच्छा पिछले बार आपको ना, अभी पिछले बार का जो पेपर था ना उसमें आपका जो क्वेश्चन था वो आपका इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना, कौन सा था आपके पास, इंस्टॉलमेंट वाला था, वो भी आपको लास्ट में बता दूंगा इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिए इसका, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है, टाइम एंड वर्क के पूरे वीडियो को ध्यान से देखना, यूनिटरी मेथड, आपका यूनिटरी मेथड हुआ प्लस आपका कौन सा हुआ, जो आपका वनडे मेथड हुआ, एलसीएम मेथड हुआ, वो सारा का सारा, ये आपको बोला इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू द वर्क, बी अकेला एक काम को कितने दिनों में कर सकता है, ए और बी का स्पीड दिया हुआ है, बी और सी का स्पीड दिया, ठीक है, चलो पहले स्टेटमेंट अपन देखते हैं, ए और बी का देखें तो 1 upon A + 1 upon B, अगर वन डे मेथड से किए तो 1 upon 18 स्टेटमेंट नंबर 1 से, स्टेटमेंट नंबर 2 से किए तो 1 upon B + 1 upon C 1 upon 20, ये दोनों से आपका आंसर आ रहा है क्या, दोनों से भी आपका आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर हम हमको या तो तीनों को दिया रहेगा, ठीक है, या हमको साथ में ए और सी का, अब ये इसके बाद हमारा आंसर कैसे आ सकता, हमको या तो ए बी और सी ये तीनों का दिया हो या इसके साथ में ए और सी का दिया हो, तो उसी कंडीशन हम क्या कर सकते हैं, ए बी और सी का अलग अलग निकाल सकते हैं, और कोई कंडीशन बन सकता है क्या आपके पास, नहीं बन सकता है, तो दोनों मिला के भी आपका आंसर नहीं आ सकता, नेदर स्टेटमेंट 1 नॉट 2 इज सफिशियंट टू प्रोवाइड द आंसर। ओके, हियर व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, याद है एरिया ऑफ स्क्वायर, कुछ देर पहले ही बताया हूं आपको, एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरिमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, आ गया, वर्क का क्षेत्रफल निकालना है, वर्क का परिमाप दिया, वर्क का परिमाप 36, मतलब 4A = 36, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है सभी साइड बराबर होते हैं, तो ये A, तो 4A = 36, तो A हमारे पास निकल जाएगा और वो A कितना होगा 9 होगा, तो ऑब्वियसली उससे हम लोग इजिली निकाल सकते हैं 9 का स्क्वायर कितना होगा। ठीक, दूसरा आयत का एक क्षेत्रफल कितना दिया है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वर्ग की भुजा आयतकार की भुजा से लंबाई से कितना कम है 3 सेंटीमीटर कम है, तो
तो भाई आयत का एक क्षेत्रफल 96 है, ठीक है, तो उसके लिए आपको लेंथ और क्या चाहिए, आप ब्रेथ। तो इस क्षेत्रफल के साथ या तो आपको ब्रेथ देना चाहिए या तो आपको लेंथ देना चाहिए, तभी आप उसका दूसरा डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो जब आप दूसरा डायमेंशन निकाल ही नहीं सकते तो आप पहला डायमेंशन आपके बारे में बात ही नहीं कर सकते, तो आपका यहाँ से आपका एल और बी तो निकलने वाला है नहीं। और जब आपका एल ही नहीं निकलेगा तो इसके बेस पे जो आपका वर्ग है, स्क्वायर का जो आपका साइड है, वो आपको निकल सकता है, वो भी नहीं निकल सकता। तो आंसर क्या होगा, सिर्फ पहले से आ जाएगा, दूसरा आपका आंसर नहीं आ सकता। तो क्या हो जाएगा, ओनली स्टेटमेंट वन, केवल कथन एक हमारे पास क्या होगा, पर्याप्त होगा, कथन दो से हमारा आंसर नहीं आ सकता है। ठीक, अगला, व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ शेयर सी, कौन सा ये आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, पार्टनरशिप। आपको सी का शेयर निकालना है। स्टार्टिंग क्या बोल रहा है, आपके पास ए और बी का दिया, ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया किससे, 8,000 रुपए से और 10,000 रुपए से। तो ए ने और बी ने स्टार्ट किया है 8,000 से और 10,000 से, ठीक है, ये हम समझ गए। आफ्टर 4 मंथ्स, After 4 months, she joined the business with a capital of ₹6,000. C क्या कर रहा है, 6,000 रुपए लेके कब आ रहा है, C join किया कब, 4 months बाद join किया, कब join किया, 4 महीने के बाद join किया, ठीक है। अच्छा, क्या आपको इसमें समय अवधि दिया है क्या, कि ए ने बी, ए और बी ने कितना समय के लिए पैसा लगाया या सी ने कितना लगाया। आपके पास इन्वेस्टमेंट आ गया है तो आपके साथ इस इन्वेस्टमेंट के साथ आपको टाइम भी तो जरूरी है, आपके पास उसका टाइम भी तो मालूम होना जरूरी है, तभी तो आप क्या निकाल सकते हैं, तभी आप क्या निकाल सकते हैं, तभी आप ये निकाल सकते हैं कि उसका आपका प्रॉफिट का रेशियो क्या है। आप उसके बिना तो निकाल सकते नहीं है, तो इसीलिए आप दोनों स्टेटमेंट मिला के भी आप आंसर नहीं ला सकते हैं। बहुत बार एग्जाम में जो हमसे हड़बड़ी होता है ना, वो ये होता है कि 4 महीने बाद सी ने बिजनेस को ज्वाइन कर लिया और प्रॉफिट एट द एंड ऑफ, हम लोग क्या लेके चलते हैं, 1 साल। अक्सर ये गलती होती है, तो इसीलिए मैं पहले बता रहा हूँ, स्टेटमेंट एजम्पशन के जो क्वेश्चन होंगे, डाटा सफिशिएंसी जो क्वेश्चन होगा, आपको उसमें कॉन्सेप्ट के साथ में आपको उसका पूरा फंडामेंटल भी मालूम होना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द एज ऑफ मदर ऑफ रोहित, सॉल्व करके देखिए। व्हाट इज द एज ऑफ द मदर ऑफ रोहित, रोहित की माता राम की आपको आयु निकालनी है। द एज ऑफ रोहित फादर इज 3 times मोर देन द एज ऑफ रोहित। तो अगर रोहित एक्स हुआ तो उसके जो पिताश्री है ना, फादर, 3 times मोर देन द एज ऑफ रोहित, 3x, ठीक। आफ्टर 4 years द रेशियो ऑफ रोहित एंड इज फादर बिकम्स 1:3। After 4 years बोला है ना, after 4 years क्या बोल रहा है, after 4 years the ratio of his father और उसका mother कितना दिया अपने पास, 1:2। अच्छा 3 times more दिया है ना, उम्र से 3 गुना नहीं, 3 गुना अधिक है, 3 गुना अधिक है ना, इसमें ध्यान देना, ये देखना, 3 गुना और 3 गुना अधिक है, मतलब रोहित की उम्र से 3 गुना अधिक, मतलब कितना हो जाएगा, 4x। अब से यहां पर क्या बोल रहा है, एक अब से कितना बोल रहा है अपने पास, अब से 4 साल बाद क्या रेशियो हो जाएगा, 1:3। मतलब यहां पर भी 4 प्लस किए और यहां पर भी 4 प्लस किए, तो
एक्स प्लस फोर अपॉन फोर एक्स प्लस फोर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1:3। ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बोला है, इसमें द एज ऑफ मदर इज 4 years लेस देन द एज ऑफ इज फादर। तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, फादर का एज आ जाएगा, तो ऑब्वियसली वहां से क्या हो जाएगा, मदर का भी एज हमारे पास आ जाएगा, मदर का भी एज हमारे पास आ जाएगा, ठीक। ये आपके पास मतलब पहले से अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड से ट्राई करो, तो द रेशियो ऑफ एज ऑफ रोहित एंड इज मदर इज 2:7 एंड 4 years बिफोर द एज ऑफ रोहित एंड हिज मदर इज 1:2। रेशियो ऑफ एज ऑफ मदर, रोहित और मदर का, रोहित और उसकी मदर का रेशियो कितना दिया, 2x, और कितना ले लेते हैं, 7x ले लेते हैं, ठीक है ना। 4 years बिफोर द एंड 4 years बिफोर 4 years, 4 साल पहले कितना हो जाएगा, 1:6। यहां से अपना x का वैल्यू आ जाएगा, मतलब मदर का वैल्यू आ जाएगा। वैल्यू x का क्या रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वैल्यू आपका जो है, मदर का एज आ रहा है, किससे आ रहा है, सेकेंड से भी आ रहा है, फर्स्ट से भी आ रहा है, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एदर स्टेटमेंट 1 or 2 इज सफिशियंट। चल अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखिए। परसेंटेज का है पास और फेल वाला, परसेंटेज का पास और फेल वाला है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है परसेंटेज का पास और फेल। इससे पहले जो क्वेश्चन होता है ना परसेंटेज का, उसमें से क्या क्या क्वेश्चन बनता है, जैसे बोलेगा इन एन एग्जामिनेशन रिन्यू स्कोर 32% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 48 मार्क्स, अनदर स्टूडेंट और सेम रिन्यू स्कोर 49% मार्क्स विच इज 54 मोर देन द मार्क्स देन द पास मार्क्स। ये आपको हो सकता है कि आपको दो अलग अलग लोगों के बारे में बोले, या हो सकता है कि एक ही व्यक्तियों को अलग अलग मार्क्स दे के आपको उसके बारे में बोले, ऐसा भी आपका हो सकता है। मान लेते हैं उस एग्जाम का जो टोटल मार्क्स है वो आपका एक्स है, टोटल मार्क्स कितना है, एक्स है। रीनू 32% लेके आई और 48 नंबर से क्या हो गई, फेल हो गई, टोटल मार्क्स एक्स है। तो अब जो रीनू है वो कितना लाई, 32%, मतलब 32x/100 लाई, और ऐसा करने पे वो 48 नंबर से क्या हो जा रही है, फेल हो जा रही है। तो उसको 48 नंबर और दे दो तो वो क्या हो जाएगी, पास। बात समझ रहे हैं, आपको जितना नंबर कम पड़ता है फेल होने के लिए, अगर आपको वो अंक प्रदान कर दिए जाएंगे और वो अंक आपको मिल जाएंगे तो आप यहां पर क्या हो जाएंगे, आप हो जाएंगे एग्जैक्टली पास, ठीक। सेकेंड कंडीशन क्या बोल रही है आपको, पहले में से, तो यहां से अपन एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। सेकेंड कंडीशन बोल रहा है कि वो 49% मार्क्स लाई, मतलब 49x/100 मार्क्स लेके आई, और ऐसा करने पे उसको कितना नंबर ज्यादा मिला है, उसको मिला है 54 नंबर अधिक मिला है। कितना नंबर मिला है, 54 अधिक नंबर मिला है, किससे, पासिंग मार्क्स से, मतलब उसको 54 अधिक मिला है, किससे, मार्क्स से, पासिंग मार्क्स से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उससे 54 नंबर ले लिया जाता है, अगर उससे 54 नंबर ले लिया जाता है तो वो भी क्या कहलाएगी, पास कहलाएगी। मतलब जिसको जितना नंबर कम पड़ता है हम उसको वो नंबर प्रदान कर देंगे, और जिसको जितना नंबर ज़्यादा मिला है हम उससे वो नंबर ले लेंगे, तो दोनों पास की श्रेणी में आ जाएंगे, ठीक है ना भाई। अब एक काम करते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, तो 49x में से 32x/100 गया, तो ये कितना हो जाएगा, 17x/100। ये हमारे पास हुआ पहला कंडीशन। ये दोनों को प्लस किए तो ये कितना हुआ, 102 हुआ, क्योंकि माइनस यहाँ किया हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 17 6 बार में, तो x कितना हो गया, 600। मतलब अगर मैं दोनों को मिलाऊंगा तभी मैं क्या निकाल सकूँ, तभी मैं टोटल मार्क्स निकाल सकता हूँ, ठीक है। तभी मैं क्या कर सकता हूँ, टोटल मार्क्स मैं आपका तभी निकाल सकता हूँ। अब अगर सपोज आपको इसमें बोला है कि उसका पासिंग मार्क्स कितना था, आपको ये निकालना है, ठीक है। हाउ मच मार्क्स स्कोर बाय रीनू, कितना नंबर वो लाई है, ठीक। वो कब आएगा, जब आपका टोटल मार्क्स आएगा आप तभी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप नहीं निकाल सकते,
तो यहाँ से जब अपने पास दोनों स्टेटमेंट मिलाओगे तो ही आपका आंसर आएगा, तो बोथ वन एंड टू आर सफिशियंट, ये हमारे पास आ गया। अब अगर सपोज मान लो कि उसने कितना नंबर लाया है, आपको ये भी पता करना है कि आप तो समझ गए कि आपका आंसर दोनों में से आ जाएगा, दोनों मिला के आंसर आ जाएगा, कितना नंबर लाया इससे निकाल लेते हैं। चलो वो 32x/100 लाया, इतना लाया है, उसके बाद भी 48 नंबर से फेल हो गया। 192 + 48 ये कितना हुआ, ये आपके पास हुआ 240, ये आपके पास क्या हुआ 240 आपके पास हुआ, ये आपने उसने 240 नंबर लाया है। ठीक, आप चाहे तो आप इससे आंसर निकाल लीजिए या इससे आंसर निकाल लीजिए, आपका आंसर दोनों में कॉमन सेम वही आने वाला है। अब अगर सपोज आपको बोला है इसमें कि पासिंग परसेंटेज कितना था, तो टोटल मार्क्स कितने थे आपके पास, 600, 600 में लाया कितना था वो 240 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये दोनों कटा, 6 से कटिंग कितने बार में 40, तो इसका मतलब पासिंग मार्क्स कितना था उसके पास, 40% उसका पासिंग मार्क्स था। क्लियर, व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा सेम क्वेश्चन पहले आ चुका है तो भी इसको नहीं करते। लेंथ ऑफ द ट्रेन 6 सेकेंड, ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है। ठीक, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हम जानते हैं कि जो स्पीड होता है और जो टाइम होता है, ये हमारे पास क्या होता है, इनवर्स वेरिएशन में होता है। इनवर्स वेरिएशन मतलब इसका ये होता है कि आपको एक आपको सामान्य दूरी कवर करना है, एक आपको सामान्य चाल से। अगर आप अपनी गति को बढ़ा देते हैं तो उस जगह पहुंचने में आपको समय की अवधि क्या लगेगा, कम लगेगा, और अगर आप अपनी गति को यहाँ पर क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो आपको पहुँचने में समय क्या होगा, अधिक लगेगा। दो ही कंडीशन होता है आपके पास। तो अब आपको यहाँ पर बोल रहा है कि P और Q से, है ना, A से B की ओर दो लोग चलना चालू किए, स्पीड का रेशियो क्या दिया हुआ है आपके पास, स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 4:2, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 5। ठीक है, किसका, 2 पर्सन P और Q। तो P का जो आपको दिया हुआ है वो आपका स्पीड कितना दिया 4, और Q का स्पीड कितना दिया अपने पास, यहाँ पर कितना दिया है Q दिया अपने पास 5। तो इसका जो टाइम होगा ना वो मान लेते हैं 5x और कितना ले लेते हैं 4x, ये हमारे पास थी। तो पहले कंडीशन से हमने गति का अनुपात दिया हुआ है तो हमने टाइम का अनुपात निकाल लिया 5x और 4x। ठीक, अब दूसरा यहाँ पर क्या बोल रहा है, P और Q की गति के बीच का अंतर यहाँ पर कितना दिया हुआ है अपने पास, 20 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ, कितना दिया अपने पास 20 किलोमीटर, Q P से तुलना में 1 घंटा पहले पहुंचा, कब पहुंचा, 1 घंटा पहले पहुंचा। अब अगर सपोज 1 घंटा पहले पहुंचा, इसका मतलब दोनों के बीच में कितने का फर्क है, आपके पास 1 घंटे का फर्क है, तो X कितना आ गया 1 आ गया, तो यहाँ पर उसको कितना घंटा लगा, 5 घंटा लगा, और इसको यहाँ पर कितना घंटा लगेगा हमारे पास, 4 घंटा लगेगा। ठीक है, तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा 4, और इसका स्पीड कितने का हो जाएगा 5 का। ठीक, ये हमारे पास हुआ। ठीक है, उसके बाद दूसरा यहाँ पर दूसरा आप बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन द स्पीड्स ऑफ पी एंड क्यू इज 20 किलोमीटर पर आवर, कितना दिया अपने पास 20 किलोमीटर पर आवर आपको दिया हुआ है। मतलब अगर मैं इसको 4x लिया और इसको 5x लिया, तो उस कंडीशन पे जो स्पीड है ना, उसका स्पीड यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 किलोमीटर, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, और आपको इसका स्पीड कितना हो जाएगा, इसका स्पीड आपको 80 होगा, और इसका स्पीड यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 के हिसाब से आपका कितना हो जाएगा, 5 के हिसाब से आपका ये हो जाएगा 100 आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो 80 और यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, क्या हो गया हमारे पास 100 आ गया। क्या इस कंडीशन पे हम आंसर को क्या लेके आना है, हमारा जो फाइनल आंसर है ना वो हमको लेके आना है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, कि ए और बी का आपको डिस्टेंस निकालना है। ठीक, बिटवीन स्टेट ए और बी का निकालना है। देखिए, अब अगर मैं देखा तो यहां पर आपको क्या दिया, आपको रेशियो दिया हुआ है, तो आपका आंसर यहां पर क्या हो सकता है, कि आपको तीनों का जरूरत पड़ेगा, आपको
यहां से आपको टाइम निकलेगा आपके पास, यहां से आपका क्या निकलेगा, सेकेंड वाले कंडीशन से आपका टाइम निकलेगा, और जो थर्ड वाली कंडीशन है ना, ये आपका क्या निकलेगा, स्पीड निकलेगा। तो आपको तीनों जरूरी है, उसके बिना आपका आंसर नहीं आ सकता। तो ऑल ए बी एंड सी आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल द आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, लास्ट के दो क्वेश्चन है, है ना। दोनों सेम है क्या? ओके ओके, अलग है। ठीक, लास्ट के दो क्वेश्चन है। आपको प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है ना, मूल राशि निकालना है। 8% दर पर 2 वर्षों के बाद मूलधन पर प्राप्त साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 450 कम है। ओके, 2 वर्ष बाद उसी मूलधन पर 8% से ब्याज प्राप्त होता है। चलो ठीक है भाई, पहला, अच्छा पहला देख लो, क्या बोल रहा है कि 8% ब्याज की दर पर आर 8% 2 वर्षों का मूलधन पर प्राप्त साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से कम है, मतलब डिफरेंस याद रखना, डिफरेंस कितना दिया, 450। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है भाई, या तो साधारण ब्याज क्या होगा, कम हो, कम, साधारण ब्याज हमेशा क्या होगा, कम होगा, चक्रवृद्धि ब्याज यहां पर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आपको अलग तरीके से पूछ सकता है कि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से कितना आपका अधिक है, आपको यह भी पूछ सकता है, डी आपको दिया हुआ है। 2 वर्ष का फॉर्मूला यहां पर क्या होता है, डी इज इक्वल टू पी इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर, ये हम जानते हैं। तो ऑब्वियसली यहां पर आर भी दिया हुआ है, टी भी दिया हुआ है, डी भी दिया है, तो हम लोग पी तो यहां से निकाल लेंगे निश्चित तौर पर। दैट मीन्स स्टेट वन से हमारा आंसर आ जाएगा, ये हम समझ गए हैं, ठीक है ना। ओके, द सम बिकम्स डबल इटसेल्फ, मतलब 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर दर राशि 10 वर्ष में क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। 10 वर्ष में क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। ठीक है, अगर पी को मैं अगर एक्स लिया, पी को अगर मैं एक्स लिया, तो ए कितना हो जा रहा है, 2x हो जा रहा है। टी आपका कितना दिया हुआ है, 10 वर्ष दिया, टी आपको कितना वर्ष दिया आपके पास, टी आपको 10 वर्ष दिया हुआ है, और आर आपको कितना दिया है, 6% आपको दिया। तो ऑब्वियसली आई कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो यहां पर भी अपने पास क्या आ गया है, आई आपको यहां पर क्या निकालना है, आपको यहां पर क्या निकालना है, आपके पास पी निकालना है। अच्छा, पी का फॉर्मूला क्या होता है, पी इज इक्वल टू आई इंटू 100 अपॉन यहां पर क्या हो जाएगा, आर इंटू क्या हो जाएगा, टी। ठीक है, पी आपको यहां पर अगर मैं देखा तो एक्स लिया, ठीक, एक्स इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स इक्वल टू आई, आई कितना है, एक्स इंटू 100 अपॉन, ठीक है, पी निकालना है ना, आर, आर कितना दिया है, 6, आर कितना दिया हमको, 6 दिया है, और टी कितना दिया हमको, टी हमको कितना दिया है, टी हमको दिया है 10। तो यहां से तो आपका आंसर आ नहीं सकता, ठीक है ना, आपका आंसर नहीं आ सकता। ठीक, सेकंड, मूल राशि पर 8% की दर पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है, ठीक है, कितना दिया है आपके पास, मूल राशि पर 8% दर चक्रवृद्धि ब्याज 450 दिया, सीआई आपको दिया है। अच्छा, सीआई कितना दिया आपके पास, 4540, पी को अपन ले लेते हैं पी, ठीक है ना, 1+R कितना दिया, 8%, तो 8/100 टू द पावर कितना दिया, 2 वर्ष का -1, तो यहां से क्या निकल जाएगा, पी निकल जाएगा, ठीक है ना, एक के साथ, ठीक, एक के साथ अपने क्या, एक होगा साथ में क्या होगा, 1, और यहां पर क्या होगा, 3 होगा, अगर नहीं देगा तो अपने पास क्या हो जाएगा, 1 और 2 एंड 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अपना आंसर किससे आ सकता है, 1 से भी आ सकता है, 3 से भी आ सकता है, और यहां पर 1 एंड 2 एंड 3 टुगेदर से भी आपका आ सकता है। ठीक,
चलिए अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। आंसर आपका क्या आएगा ये इंपॉर्टेंट आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। आंसर कैसे लेके आया जा सकता है ये आपका इंपॉर्टेंट है। अ पर्सन बोरोड सम मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, व्हाट विल बी द अमाउंट रिक्वायर्ड टू रिटर्न आफ्टर 2 ईयर्स। आपने क्या किया, उसने एक पैसा लिया कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, आपको कितने रुपए उसको टोटल लौटाना, 2 साल बाद आपको ये निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट पर आपको मेंशन किया है। पहला, इफ द अमाउंट वॉज बोरोड एट सिंपल इंटरेस्ट देन आफ्टर 5 ईयर्स 600 रुपीज वॉज टू पे एज सिंपल इंटरेस्ट। आपका 5 ईयर्स का आपको ऐसा ही दिया हुआ है, लेकिन आपको यहां पर आर दिया है कि आपको, आप यहां से आर नहीं निकाल सकते। आपको आर देगा तो ही तो आप पी निकाल सकते हैं, और जब पी देगा तो ही आप क्या निकाल सकते हैं, आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं, पहले आपको नहीं देगा। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम। हाँ, अब मतलब 1 और 2 मिलाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा आपको दिया हुआ है वो आपको बोल रहा है द सम ऑफ मनी बोरोड इज 10 times द अमाउंट रिक्वायर्ड टू पेड एज सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है ना। तो आपको ये बोला है, क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ मनी बोरोड आफ्टर 10 ईयर्स, ये आपको दिया है, मतलब 10 times दिया। अगर मतलब आपको पी, अगर सपोज में एक्स लिया तो ए आपका यहां पर क्या हुआ, 9x हुआ, और टी आपके पास यहां पर 2 ईयर्स हुआ। तो इस कंडीशन में हमारा, सॉरी 10 times है ना, तो ये जो है ना, ये आपका क्या हो जाएगा 10x, ठीक। तो आई कितना हो जाएगा, आई हमारे पास क्या हो जाएगा 9x, और टी हमारे पास क्या हो जाएगा 2 साल। लेकिन इसके लिए हमको यहां पर क्या जरूरी है, आर जरूरी है। तो सेकेंड वाला तो आपको जरूरी जरूरी है आपका, और उस 2 के साथ में सिर्फ 1 निकालूं या ये निकालूं तो इससे मेरा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट मेरा इजीली वहां पर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो 2 के साथ में आपको 1 और 3 दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा डाटा सफिशिएंसी का लेसन था, ठीक है। आगे जो अपकमिंग जो 2 लेक्चर्स होने वाले हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि उसमें हम क्या करेंगे, उसमें आपका जो ज्योमेट्री वाला पोर्शन होगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हुआ, प्लस ऐसे क्वेश्चंस जो आपको पिछले एग्जाम में पूछे हुए हैं वो आपका सारा का सारा कवर होने वाला है। इसलिए अगले ये वाला सेशन और अगला 2 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, तब तक पूरी वीडियो से बने रहना। और इस हफ्ते का जो डाउट सेशन होगा, उस डाउट सेशन में आपके पूरे वीक के जितने डाउट्स हैं वो सारे के सारे को आप एक साथ लेके आएंगे, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए